हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों आज हम आपके समक्ष माह फरवरी 2020 का मासिक राशिफल जो कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक है उसके विषय में आपके सम्मुख चर्चा की जाएगी आज एक एक राशि की। लेकिन जैसा कि हर बार हम आपको राशिफल की चर्चा करने से पहले ग्रहों की जो गोचर में स्थिति है उससे भी आपको अवगत कराते हैं, क्योंकि इस ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार ही आपके राशिफल का तैयारियां होती है। तो आइए जानते हैं कि इस माह फरवरी में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या है। तो सबसे पहले सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ, लेकिन 13 फरवरी 2020 को ये इस राशि से निकलकर अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। वहां इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुध के साथ बनने वाली है। मंगल वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 7 फरवरी 2020 को ये अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह गुरु और सम ग्रह केतु के साथ होगी। बुध अपनी मित्र राशि कुंभ में संचार करते रहेंगे मित्रों पूरे माह, लेकिन 17 फरवरी 2020 को ये वक्री होंगे यानी उल्टी चाल चालू करेंगे चलना, और 19 फरवरी को ये फिर पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति मार्गी एवं उदय अवस्था में पूरे माह अपनी स्वयं की राशि जो इनकी धनु है उसी में इनका संचार होता रहने वाला है, तथा यहाँ इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल तथा सम ग्रह केतु के साथ होगी। शुक्र वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में संचार कर रहे हैं मित्रों, लेकिन यह 2 फरवरी 2020 को अपनी उच्च राशि मीन में उदय एवं मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे, तथा 28 फरवरी को फिर ये दोबारा अपनी राशि चेंज करेंगे इस राशि को मित्र राशि को, और ये अपनी सम राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 2 फरवरी को तो आएंगे ये अपनी उच्च राशि मीन में जो कि इनकी उच्च की राशि है उदय और मार्गी अवस्था में, और उसके द्वारा फिर उसी माह में ही 28 फरवरी को ये अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं मित्रों मार्गी एवं उदय अवस्था में, और ये पूरे माह इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा, ये संचार अपना करते रहेंगे इसी राशि में पूरे माह। केतु भी पूरे माह अपनी उच्च की राशि धनु में इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं, और राहु भी अपनी मित्र और उच्च की राशि जो उनकी मिथुन है उसी में उनका संचार पूरे माह होता रहने वाला है। तो मित्रों यह था आपके ग्रहों की गोचर में स्थिति जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार किया गया है। आगे अब चर्चा करेंगे मित्रों आप मकर राशि के जातक हैं उनके साथ माह फरवरी 2020 के राशिफल के विषय में। तो सर्वप्रथम व्यवसाय, इस माह आप मकर राशि के जातकों के लगन में शनि की अपनी स्वयं की राशि में होने के कारण पंच महापुरुष योग का निर्माण तो हो रहा है शशि योग का, लेकिन सूर्य का भी उनके साथ होना तथा शनि की 7.5 का प्रभाव भी साथ साथ बने होने के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी कि रोजगार या व्यापार में माह के आरंभ से मध्य के बीच मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। उसके अतिरिक्त आप मानसिक रूप से परेशान रहने वाले हैं, साथ ही आपका स्वभाव भी कुछ उग्र हो सकता है। हालांकि आपके अपने पराक्रम में तो वृद्धि रहने वाली है तथा आप अपने विभाग में कड़ी मेहनत भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत खूब करेंगे, मगर आपको परिणामों जो हैं उनके अनुसार यानी आपकी मेहनत के अनुसार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हालांकि महामध्य के उपरांत हालातों में काफ़ी सुधार आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, आप जो भी कार्य करेंगे उसको पूरा ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ पूरा करेंगे, उसमें पूरी ईमानदारी बरतेंगे तथा नियम तथा कानूनों को ध्यान में रखकर के ही सारे कार्यों को अपने पूरा करेंगे। अपने कार्यों से संबंधित आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जिसमें आपके धन का व्यय भी हो सकता है। जो व्यक्ति अपने रोजगार
प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर विदेश जाने के भी इच्छुक हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं काफ़ी समय से और उनके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, यह समय उनके लिए है। हम यही कहेंगे कि आप इस समय में प्रयास करें, अत्यधिक प्रयास करें, और इस अवधि में अगर आप प्रयास करते हैं, उपाय हम आपको अंत में बताएंगे कि क्या उपाय करें जिससे कि आपके कार्य इस अवधि में बने और आप सफल हों। वित्तीय स्थिति, इस माह आपको आय के स्रोत तो बने रहेंगे मित्रों, लेकिन आय से अधिक धन के व्यय होने के भी प्रबल संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि धन का व्यय अच्छे कार्यों में ही आपसे होगा, उनको पूरा करने में आंशिक रूप से धन का संचय हो सकता है, यह आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। प्रेम संबंध, इस माह जो या तो पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं और या फिर कुछ समय से प्रयासरत हैं अपने प्रेम संबंधों को विकसित करने में, तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि इस माह प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के लोगों के लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई नहीं दे रहे। तो हमारा यही सुझाव है कि समय नष्ट ना करें तो अच्छा है। पारिवारिक संबंध, इस माह आपके अपने परिवार के साथ संबंध तो सामान्य रहने वाले हैं, बने रहेंगे सामान्य, मगर आपको ऐसा महसूस होगा कि परिवार का आपको सहयोग मिल नहीं पा रहा है, यह आपको ऐसा महसूस अंदर से फीलिंग आएगी। यह स्थिति माह के मध्य तक आपके साथ बनेगी, उसके पश्चात आपकी मानसिकता में बदलाव आएगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा और आप महसूस करेंगे कि पारिवारिक सहयोग में किसी भी मतलब ओर से कोई कमी नहीं है। शिक्षा, इस माह आपकी शिक्षा में निरंतर प्रगति होने वाली है, लेकिन आपके मन में एक भ्रम रहेगा कि शिक्षा से संबंधित परिणामों में कोई कमी ना रहने पाए, ऐसा लेकिन होगा नहीं मित्रों, परिणाम आपके अनुकूल ही आएंगे। संतान, इस माह आपको संतान पक्ष की ओर से निराश होने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, और संतान के साथ भी आपके संबंधों में महामध्य के उपरांत मजबूती आने वाली है और आपका अपनी संतान के प्रति झुकाव अधिक होगा उनके अच्छे कार्यों को देख करके। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के संबंध में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी इस माह हमको दिखाई नहीं देती है, उपाय क्या किए जाए? शनि की साढ़े साथी के प्रभाव होने के कारण आपको शनि के मंत्रों का जाप निरंतर करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, यह मंत्र है, इसका 3 माला कम से कम प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो शनिवार के शनिवार करेंगे तो भी अच्छा है। मंगल स्तोत्र का पाठ भी आपको नियमित रूप से करना है, अगर आप ये उपाय करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणामों में लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, यह था आपका राशिफल, आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करना ना भूलें चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी कार्यक्रम हैं नए आगामी उनके वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी।